हेलो एंड वेलकम दोस्तों रिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन टाइप लेके आ गया हूँ मैं, और आज इन्हें हम लोग समझेंगे। इनका जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, जो लैंग्वेज है, उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे और अननोन्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक इंस्पेक्टर है जो कि रिजेक्ट कर रहा है 0.08% ऑफ मीटर्स एज डिफेक्टिव, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। हाउ मैनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट टू। अब हमें ये फाइंड करना है कि आखिर वो कितने ऐसे मीटर्स को वो एग्जामिन करेगा कि फिर वो उसमें से दो रिजेक्ट करेगा। सो रिजेक्ट इज टू। कैसे करेंगे? तो हमारे पास भैया गिवन जो है वो 0.08% है, और जो हमें पता नहीं है वो है कितने मीटर्स को एग्जामिन करेगा। सो लेट्स कंसिडर इट एज अ एक्स, लेट्स कंसिडर इट एज अ एक्स एंड इट इज इक्वल टू टू। बराबर है, इक्वेशन सही है। कैसे सही है, चलो उसको चेक करते हैं। तो इतने परसेंटेज क्या दिया है, रिजेक्ट करता है वो मीटर्स को एज अ डिफेक्टिव, ठीक है, इतना परसेंटेज। नाउ उस एक्स का जब मैं इतना परसेंटेज निकालूंगा रिजेक्ट का, तो वो मुझे देगा टू, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट है। और इस सब में जो इक्वेशन मेरी बनी है, आफ्टर सॉल्विंग इट आई एम गोइंग टू गेट दिस रिस्पेक्टिव एक्स, जो कि मुझे दे देगा हाउ मेनी मीटर्स विल बी एग्जामिन्ड बाय दैट रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर टू रिजेक्ट टू ऑफ दैम, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये हो गई मेरी इक्वेशन। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन सिंपली राइट इट एज 8/100 इंटू 1/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू टू, सिंपल, ओके। अब ये मुझे एक्स फाइंड करना है। एक्स के लिए मैं क्या करूँगा, 200 इधर ले लूँगा सारे के सारे, मैं डिवाइड कर दूंगा 8 से। ये 2 1 2, ये 4, ये 4 1 4, ये 25, और ये 2500 आ गए मेरे टोटल। दोज मच मीटर्स विल बी एग्जामिन टू रिजेक्ट टू। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये ऐसे टाइप के questions पूछे जा सकते हैं। अभी ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली हमारे प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का एक एडवांस वर्जन है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें एड ऑन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, ओके। हालांकि बात एक नंबर की वैल्यू के लिए ही की जा रही है, लेकिन थोड़े अलग ढंग से, इसलिए मैंने सोचा इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे भी एक नंबर है, मीन्स अ वैल्यू ऑफ अ नंबर, बेसिकली उन्होंने पहले उसे 25% से इंक्रीज किया, उससे हमें एक आंकड़ा मिला, बराबर। फिर उसी ओरिजिनल नंबर को, सेम ओरिजिनल नंबर को हमने डिक्रीज किया बाय 30%, उससे एक आंकड़ा मिला। अब इन दोनों जो आंकड़े हैं, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज वाले, इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है एक आंकड़ा 22। और हमें वो पूछ रहे हैं फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे ओरिजिनल नंबर? तो सिंपल सी बात है, हाउ वी कैन फॉर्म द इक्वेशन इज दैट 25% से इंक्रीज किया है, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? वी कैन राइट इट एज अ 100+25%, 100+25%, दैट विल बी नथिंग बट 125% ऑफ विच नंबर, जो हमें फाइंड करना है। लेट्स अज्यूम इट एज अ एक्स, कि वो चलो एक्स है कुछ तो, ठीक है। एंड डिफरेंस दूसरे साइड में कौन है? डिक्रीज, जिसको किया है हमने, तो डिक्रीज कितने से किया है? 30% से। 100 - 30, 70%, तो 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 22, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 22 है। बस आधा खेल हो चुका है, अब उसे पूरा खत्म करना है। कैसे होगा, वॉट द क्वेश्चन विल बी लाइक, सी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो 125 - 70% ऑफ x इज इक्वल टू 22 करते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 30 और 25, 55, ओके, दैट इज नथिंग बट 55% ऑफ x इज इक्वल टू 22। देयरफोर x जो है वो क्या निकलता है, x इज नथिंग बट इक्वल टू 22 इंटू 100 बाय 55, करेक्ट, इट इज नथिंग बट 55। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 1 5 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और फाइनली जो आंसर आता है वो हमारा 40 आएगा, ठीक है। तो भाई साहब, ये था वो छुपा रुस्तम नंबर जिसे हमें ढूंढना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से हमें वो सॉल्व करना है, सॉल्यूशन आपके सामने क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।